यशी गुप्ता और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, जिसका कि 10.4 तक हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया था। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो सबसे पहले जाकर आप लोग वो वीडियो देखो एंड देन इसके बाद आप लोग देखना 10.5। इस वीडियो में हम लोग 10.5 और 10.6 दो टॉपिक्स का बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स, इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोग ह्यूमन बींग्स के, मतलब कि जितना भी ह्यूमन बींग्स होता है, जितना भी आदमी होता है, उसके रेस्पिरेशन, उसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, ब्रीदिंग कैसे होता है, ब्रीद आउट कैसे होता है, ये सब चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन इस टॉपिक में हम लोग एनिमल्स, जानवर लोग में कैसे रेस्पिरेशन होता है, वो चीज को हम लोग जानेंगे। एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायंस, काउस, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटीज लाइक द ह्यूमन बींग्स। जैसे कि हम लोग में लंग्स होता है, चेस्ट कैविटी में हम लोग का लंग्स होता है, तो हम लोग का रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो जिस तरह से हम लोग के पास लंग्स होता है, उसी तरह से बहुत सारे ऐसे जानवर है जिनके पास लंग्स होता है, जैसे कि एलिफेंट्स, लायंस, काउस, गोट, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक्स, बर्ड्स। तो ये सारे के सारे पास लंग्स होता है, जिसके कारण ये अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस को करते हैं। कॉकरोच, अब हम लोग कुछ ऐसे जानवर के बारे में पढ़ेंगे जो कि लंग्स से, मतलब नॉर्मली जैसे दूसरे जानवर लोग लंग्स से करते वैसे नहीं करते हैं। तो पहला हम लोग कॉकरोच, कॉकरोच के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अ कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी विच आई नो एज स्पिरेकल्स। तो कॉकरोच का एक छोटा सा छिद्र होता है उसके बॉडी के साइड में, तो उसी चीज को हम लोग कहते हैं स्पिरेकल्स। ओके, द ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स थ्रू स्पिरेकल्स, और यही स्पिरेकल्स के अंदर ऑक्सीजन जो भी कॉकरोच लेता है वो यही स्पिरेकल्स के अंदर जाता है। द स्पिरेकल्स आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया फॉर गैसेस एक्सचेंज, और यही स्पिरेकल्स जो होता है वो बहुत सारे नेटवर्क ऑफ ट्यूब से कनेक्ट रहता है, जिसको कि हम लोग ट्रैकिया कहते हैं, और यहीं से ट्रैकिया की मदद से वो गैस को एक्सचेंज करता है। मतलब इसमें कह रहा है कि कॉकरोच का एक बॉडी के साइड में एक छोटा छोटा सा बहुत सारा छेद होता है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन उसके बॉडी के अंदर जाता है, और उस छेद को हम लोग स्पिरेकल्स कहते हैं, जहां से ऑक्सीजन उसके बॉडी के अंदर जाता है। अब वो स्पिरेकल्स के अंदर जो होता है वो बहुत सारे नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है, जिसको कि हम लोग ट्रैकिया कहते हैं, और वहीं से उसका गैसेस जो होता है वो एक्सचेंज होता है। ट्रैकिया का बिल्कुल इस तरह का फिगर है, ट्रैकिया हम लोग इसको कहेंगे, या इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ट्रैकिया का ये सिस्टम है। ओके, तो ये जो फिगर आप लोग देख रहे हो वो ट्रैकिया का है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कॉकरोच में एक छोटा सा ओपनिंग होता है उसके साइड में, जिसको कि हम लोग स्पिरेकल्स कहते हैं। उसे स्पिरेकल्स में बहुत सारे नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स रहता है, जिसको कि हम लोग ट्रैकिया कहते हैं, और यही ट्रैकिया से ही गैसेस एक्सचेंज होता है। ओके, अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अर्थवॉर्म जो होता है वो अपनी स्किन से सांस लेता है। The skin of earthworm feels moist and slimy on touching. और उसका जो स्किन रहता है वो बहुत ही ज्यादा मुलायम रहता है, और टच करने में भी वो बहुत ही ज्यादा स्लिमी रहता है। Frogs have a pair of lungs like human beings. हम भी लोगों की तरह frogs का भी lungs होता है। They can also breathe through their skin, लेकिन वो skin से ही सांस ले सकते हैं। Which is moist and slippery, जो कि बहुत ही ज्यादा उसमें नमी होता है और स्लीपरी होता है। तो फ्रॉक्स का भी हम लोग की तरह लंग्स होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो स्किन से भी सांस ले सकता है, क्योंकि फ्रॉक्स जो होता है वो पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है। अब आगे का जो हम लोग का जो टॉपिक है वो है ब्रीदिंग अंडर वॉटर। बहुत सारा ऐसा भी जानवर होता है जो कि पानी में सांस लेता है, तो पानी में वो कैसे सांस ले पाता है, तो इसमें हम लोग को बस फिश के बारे में ही पढ़ना है। फिश हैव गिल्स टू ब्रीद इन द ऑक्सीजन कंटेंट इन
है वो गिल्स का यूज करती है ऑक्सीजन लेने में. ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिश कैसे ब्रीथ करती है. फिश जो होती है वो गिल्स का यूज करती है ऑक्सीजन लेने में जो कि पानी के अंदर होता है. फिश टेक वॉटर इन टू देयर माउथ पासिंग द गिल्स जस्ट बिहाइंड इट्स हेड ऑन इट्स साइड. तो फिश जो होती है वो अपने मुंह में पानी डालती है, मुंह से पानी को लेती है. इसके बाद वो पानी जाता है गिल्स में और गिल्स में उस पानी में जो भी ऑक्सीजन रहता है वो गिल्स ले लेती है, मतलब कि वो फिश ले लेती है. और फिर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी वेस्ट होगा फिर वो निकल जाता है पानी के साथ. ओके तो इस तरह से फिश जो होती है वो अपने मुंह से पानी लेती है और इसके बाद वो उस पानी में जो ऑक्सीजन रहता है उससे वो ऑक्सीजन ले लेती है. तो ये प्रोसेस जो होता है वो गिल्स में होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि फिश जो होती है वो गिल्स से सांस लेती है. ये जो टॉपिक था हम लोग का वो बहुत ही छोटा था, इसका बहुत ही ज्यादा डीपली हम लोग जा सकते हैं कि कॉकरोच जो होती है वो कैसे सांस लेती है, मतलब कैसे कैसे उसके बॉडी में जाता है ऑक्सीजन, फिर क्या होता है उसका. लेकिन हम लोग को इतना नहीं पढ़ना, हम लोग को बहुत ही छोटा छोटा पॉइंट्स को बस देखना है. बहुत ज्यादा इसमें क्योंकि एनसीईआरटी बुक में नहीं है इसलिए हम लोग बहुत डीपली नहीं जाएंगे. ये जो पॉइंट्स आप लोगों को बताया है यही मेन है और इसके अलावा हम लोग को कुछ नहीं पढ़ना था. तो ये था हम लोग का आज का टॉपिक 10.5 और 10.6 जो कि बहुत ही ज्यादा इजी था और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि नहीं समझ पाया होगा. सो ये था हम लोग का आज का टॉपिक. आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो. चलो बाय, टेक केयर.